स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चलाया जा रहा कोविड वैक्सीन अभियान 31 जनवरी तक खत्म होता नजर नहीं आ रहा है और इसके पीछे का कारण पोर्टल में आ रही समस्या और कुछ प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों की अरुचि को भी बताया जा रहा है। गुरुवार को भी लक्ष्य से 1300 टीकाकरण कम हुए हैं और इस अभियान के तहत छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 3 फरवरी को मॉपअप राउंड किया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि इंदौर जिले में गुरुवार शाम तक करीब 14,300 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। विभाग को 31 जनवरी तक पहले चरण को खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य में पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या भी बाधक बन रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को शुरू किए गए 30 नए टीकाकरण केंद्रों पर पोर्टल ही काम नहीं कर रहा था, इस कारण हितग्राहियों को वक्त पर मैसेज नहीं पहुँचे। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता की माने तो पोर्टल में आ रही तकनीकी खराबी के चलते गुरुवार को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों को मैसेज भी देर से पहुंचे, इसके साथ ही अन्य दिक्कत भी सामने आई। 4600 का वैक्सीनेशन कल हुआ था। कुछ सेंटर्स पे चूंकि हमने देर रात तक उसकी तैयारियाँ की थी और तुरंत फुरत में हमने पूरे करीब 90 सेंटर एक्टिवेट किए, तो कई लोगों को मैसेज लेट पहुँचे और कई सारे लोगों का जो देखने में आया है कि उनके पास उनके जो नंबर थे वो गलत थे, जो उन्होंने नंबर डेटाबेस में जो दिया था वो नंबर गलत थे और कुछ लोग जैसे उस प्लेस को छोड़ के चले गए या सर्विस का प्लेस उनका चेंज हो गया, तो उस वजह से कई सारे लोग नहीं आ पाए। और आज हमने सेशन वापस पहले से क्रिएट कर लिए, तो आज वो SMS भी चले गए हैं और एक कई सारे लोगों को हमने जो पहले नहीं आ पाए थे जैसे वीते मॉपअप राउंड करके, तो जो पहले नहीं आ पाए थे उनका भी एक उसमें अपॉर्चुनिटी दी कि वो आके वैक्सीनेट करा लें। सर अब संख्या कम क्यों कर रही है? जैसे कि कुछ सेंटर्स जैसे जो छोटे सेंटर थे जहाँ बेनिफिशरीज कम थे, जैसे हमारे विलेज के देखें कि पेवड़ा है आपका, कंपेल है, सिमरोल है, पेवड़ा है, उस टाइप के जो छोटे सेंटर थे जहाँ पे एक ही दिन का वर्क था वो वहाँ का कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा उनके रिप्लेसमेंट में हमने कुछ सेंटर दूसरे ओपन कर दिए। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता ने कहा कि कल के दिन के अलावा सिर्फ मॉपअप राउंड ही रहेगा। इसके चलते उन्होंने अपील की है कि जिनका नाम आता जा रहा है वह वैक्सीनेशन करवा ले। सर ये हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें, तो अभी एक कल का दिन और है हमारे पास, उसके बाद हमें सिर्फ मॉपअप राउंड रहेगा। तो मेरी भी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी नाम अगर वैक्सीनेशन के लिए आ जाता है तो वो उसको अवेल करें, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ें, क्योंकि उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर का वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। तो जिनका भी नाम आते जा रहा है वो एटलीस्ट अपना वैक्सीनेशन करवा लें टाइमली। बहरहाल देखा जाए तो 31 जनवरी को लक्ष्य पूरा करने के लिए शुक्रवार को भी 85 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। MP News के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।